आज हमारे पास आया है फिलिप्स का मॉनिटर एंड अभी ये पूरा डेड कंडीशन में है। कस्टमर ने बताया है कि चलते चलते अचानक ये बंद हो गया है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो इसका पावर प्लग मैं लगा देता हूँ, लगाने के बाद इसको ऑन हो चुका है यहाँ से, एंड यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर शो नहीं हो रहा, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये मॉनिटर है फिलिप्स का, इसको ओपन करते और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ का फॉल्ट है। हमारे पावर सप्लाई यहाँ पर ख़राब है या हमारे मदरबोर्ड यहाँ पर ख़राब है, उसको कैसे रिपेयर करना है चुटकियों में आपको पूरा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई टाइम से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको मैंने ओपन कर लिया हूँ, ये पूरा लॉक सिस्टम था, पूरे लॉक को मैंने ओपन करके निकाल लिया हूँ, एंड जिसका पैनल था उसको मैंने साइड में रख दिया हूँ। एंड ये जो सा कवर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके नीचे हमारी पावर सप्लाई एंड मदरबोर्ड है, तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर लॉक सिस्टम दिया है तो हमको थोड़ा खींच के इसको निकालना पड़ता है इस टाइप से। ये निकल, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका मदरबोर्ड है एंड इसकी पावर सप्लाई है। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका पावर सप्लाई यहाँ पर ओके है या नहीं है। तो हम सबसे पहले पावर सप्लाई को अलग से यहाँ पर चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे इसकी पावर सप्लाई को कि हमें पावर सप्लाई ओके है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूँगी जो इसकी पावर सप्लाई पर, यहाँ पर एसी इन हो रहा है और यहाँ पर जो हमारा मेन कैपेसिटर है ये वाला, ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। अगर ये चार्ज हो रहा होगा तो इसके आगे की सप्लाई हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर ये चार्ज नहीं हो रहा होगा तो जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है या हमारा पीएफ है, सॉरी ये हमारा फ्यूज़ है, ये यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं लगाता हूँ पावर प्लग में एंड इसको मैं 600 एसी पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, हमारा एसी इन हो रहा है 264 वोल्ट, ठीक है ना। एंड जो हमारा मेन कैपेसिटर चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर 600 डीसी में सेट करके रखा हूँ। ये हमारा मेन कैपेसिटर है, 355-56 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों जो हमारा मेन कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो रहा है, यानी इतना सेक्शन हमारा ओके है। तो हमारे आईसी वाला सेक्शन है जहाँ स्विचिंग होती है, ये सेक्शन देखना पड़ेगा, या सबसे पहले हम देखते हैं इसका आउटपुट सेक्शन में। तो इसको मैं 20% करके रखता हूँ एंड मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों एक ये है और एक ये वाला 0.1, तो मैं इसके कैपेसिटर यहाँ पर भी रखता देखता हूँ। यहाँ पर एक भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रहा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा कैपेसिटर चार्ज है एंड यहाँ पर हमारा एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्टिंग को चेक करना, शॉर्टिंग है कि नहीं हमारे यहाँ पर, सबसे पहले उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कैपेसिटर चेक करते हैं, तो इसमें बजर बज रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब दोस्तों इसमें जो हमारा कोने की शॉर्टिंग है, तो जनरली दोस्तों क्या होता है, हमारे डायोड यहाँ पर शॉर्ट रहते हैं, या आप देख पाए हमारे दो डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, तो हम दोनों को यहाँ पर चेक कर लेंगे। एक हमारे साथ बैकलाइट सेक्शन के लगा है यहाँ पर एंड एक डायोड हमारा 12 वोल्ट का 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए है, बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 19 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पर 19 वोल्ट और 19 वोल्ट नॉट कनेक्टेड, 19 वोल्ट फिर दो ग्राउंड और दो 19 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब वो 19 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा इसे डायोड को, तो ये हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये फुल शॉर्ट यहाँ पर दिखा रहा है अल्टी पल्टी में। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसे डायोड को निकाल के दूसरा डायोड यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो मैं उसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डायोड को निकाल दिया हूँ। तो हम सबसे पहले उसको चेक कर लेते कि शॉर्ट है या नहीं है, या हमारा ट्रैक भी यहाँ पर शॉर्ट हो सकती है, तो हम उसको चेक कर लेते एक बार। तो ये फुल शॉर्ट है, आप देख पा रहे हो। तो हम इसके बदले दूसरा यहाँ पर डायोड यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसके बदले यहाँ पर यूज़ करूँगा ये वाला डायोड, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको मैंने अपनी एलईडी के मदरबोर्ड से निकाला हूँ 24 वोल्ट की सप्लाई से, जिसका नंबर है HBR3150। तो मैं उसको यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आपको उसका माउथ देख के इसको लगाना पड़ेगा। अगर माउथ इस साइड में दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सिल्वर सेक्शन आपको देखना पड़ेगा, इसको आप उल्टा लगाओगे तो आपका यहाँ पर वोल्टेज नहीं बनने वाला। तो मैं उसको फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है, आप यहाँ पर रीडिंग हो रही है, आप देख पा रहे हो एंड पलटाने में यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग शो नहीं हो रही एंड ये तो हमारा शॉर्ट नहीं है यहाँ पर। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा 19 वोल्ट बनता है कि नहीं बनता। तो मैं इसको पावर प्लग को लगा देता हूँ, देन इसके प्लग को लगाने के बाद इसको मैं
600 डीसी पे सेट करके रखूँगा। सबसे पहले आपको मेन कैपेसिटर दिखा देता हूँ, 350 यहाँ पर 4 आप देख पा रहे होंगे जो कि मेन कैपेसिटर है इसका, ये वाला मेन कैपेसिटर 350 वोल्ट। हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे, इसको मैं 200 पे सेट करके रखूँगा अभी। ये हमारा वोल्टेज, यहाँ पर भी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा डायोड है प्लस वाला, यानी हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये हमारा ग्राउंड, ये प्लस 0 वोल्ट, यहाँ पर दोस्तों कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों इस मुझे पावर सप्लाई में इसकी आईसी यहाँ पर ख़राब है। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में जब ये पावर सप्लाई रहती है उसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है, आपने देखा होगा उसमें ट्रांजिस्टर और एक आईसी लगी हुई होती है पावर सप्लाई सेक्शन में। इसमें केवल यहाँ पर एक ही सिंगल यहाँ पर आईसी दी हुई है जो कि हमारा पूरा ऑपरेट करती है सिस्टम को। तो आप दोस्तों ये अवेलेबल तो होती नहीं वाली आईसी, तो सबसे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो यहाँ पर ओके है या स्टेबल है कि नहीं, हम उसको यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो उसको लगाता हूँ पावर प्लग फिर से, एंड इसको मैं 600 पर सेट करके रखा हूँ। तो मैं अगर रखूँगा ग्राउंड में यहाँ पर, तो यहाँ पर चाहो उसका ट्रांसफार्मर ओके है नहीं है, तो इसको इसकी सप्लाई तो ग्राउंड है हमारा ना, तो ये पॉजिटिव वाले एक जंपर हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट में 354 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एंड यहाँ से इसकी कॉइल यहाँ से निकली होंगी। तो ये हमारी कलेक्टर है, तो ये हमारा इनपुट हमारे आईसी पर जा रहा है प्रॉपर। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों हम क्या करने वाले, यहाँ पर मॉड्यूलर का यूज़ करने वाले। हम वाली आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं वाली आईसी यहाँ से निकाल दूंगा और यहाँ पर मॉड्यूलर को लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं वाली आईसी को यहाँ से निकाल लूँगा, ये वाली आईसी को, देन इसको आपको बताता हूँ मॉड्यूलर यहाँ पर कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसे कंडेंसर को डिस्चार्ज कर देता हूँ इस तरीके से। आप चाहते हैं यहाँ पर 1.25 के बल्ब से भी इसको डिस्चार्ज कर सकते हो, बल्ब में टाइम नहीं है उतना। तो अब मैं सबसे कहता हूँ इसकी आईसी को यहाँ से निकाल देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये आईसी। जनरली दोस्तों ये आईसी यहाँ पर ख़राब होती है, या हमारे ट्रांजिस्टर के साथ जो आईसी लगी रहती है जो पल्स देती है वो भी यहाँ पर ख़राब होती है, बट ये आईसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैंने इसकी आईसी यहाँ पर निकालते हैं और देख सकते हो, तो हमें कोई काम की नहीं आ रही आईसी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मॉड्यूलर को यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करेंगे पूरी वायरिंग आपको बताऊँगा, पूरी सिखाऊँगा आपको मैं कि कैसे मॉड्यूलर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं ये वाला मॉड्यूलर को यूज़ करने वाला हूँ जो कि 5 से 24 वोल्ट का मॉड्यूलर होने वाला है। मैंने जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि ये 19 वोल्ट की सप्लाई निकालता है, तो हमें 5 से 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा ये वाले मॉड्यूलर का। तो कैसे यूज़ करना है, तो मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ कैसे रही एलईडी टीवी की पावर सप्लाई में रिपेयर कर रहा हूँ इसके थ्रू, बट उसमें ट्रांजिस्टर मॉडल था, यह आईसी मॉडल है। अब आप लोगों को मालूम चलेगा कैसे कि इसमें कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है हमारा, और ग्राउंड तो हमको पता ही रहता है, तो हमको कलेक्टर कौन से उसमें लगाना है कैसे मालूम चलेगा। अगर आपने इसको गलत लगा दिया तो आपको जो मॉड्यूलर तुरंत यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो कैसे फाइंड आउट करना है पूरा आपको बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड कहलाता है, तो हम सबसे पहले इसको ग्राउंड में रख देंगे जो कि हमारा मेन कैपेसिटर वाला ग्राउंड है। ये जो हमारा ग्राउंड है दोस्तों, ये वाला ग्राउंड में हमको सोल्डर कर दिए, ठीक है ना। एंड अब मैं जो इसका पॉजिटिव वाला है, ये वाला, ये जो कि कलेक्टर में जाता है हमारा, जो हमारा ट्रांजिस्टर मॉडल रहता है हमारे पावर सप्लाई में, उसके मिडिल वाले पोर्शन पे इसको हम लगाते हैं, मिडिल वाले पिन में हम इसको सोल्डर करते हैं, बट इसमें ट्रांजिस्टर तो है ही नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा कि इसमें कौन सी ट्रैक पे हमको उसको सोल्डर करना है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो जो हमारे पॉजिटिव वाला जो हमारा रहता है कैपेसिटर है दोस्तों, ये वाला, इसका एक जंपर यहाँ पर हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो पॉजिटिव वाला दोस्तों, ये वाला, इसका यहाँ पर जंपर देख पा रहे होंगे, एक जंपर यहाँ पर हुआ है। तो जो इसका जंपर दोस्तों यहाँ पर हुआ है ये, तो इसकी जो ट्रैक है ये गई है याली, आप देख पा रहे हो ये ट्रैक आप देख पा रहे होंगे, तो इससे एक कॉइल बन के यहाँ पर गई है। जो इसका ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये वाला, इसमें दो सेक्शन रहते हैं, एक नेगेटिव का रहता है और एक पॉजिटिव का रहता है। तो जैसे कि ये जो हमारा नेगेटिव वाला दोस्तों, ये नेगेटिव वाला है, इसकी ट्रैक आप देख पा रहे हो यहाँ पर गई है और यहाँ से वापस निकल गई है, ठीक है ना दोस्तों। ये आप लोग समझा चुके हमारी आईसी में जाएंगी। एंड सेकेंड जो हमारा पॉजिटिव वाला है, इसका यहाँ पर जंपर हुआ है एंड इसकी ट्रैक हमारी यहाँ पर गई है, एंड यहाँ से जाते हुए यहाँ से निकली इसकी जिसकी वाइंडिंग है दोस्तों, यहाँ से इनपुट हुआ है, यहाँ से आउटपुट हुआ है। तो जो आउटपुट दोस्तों, ये हमारी कलेक्टर कहलाती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से इनपुट हुआ है हमारा,
प्लस वाला कंडेंसर का यहाँ से हमारा आउटपुट हुआ जो कि हमारा आईसी पे गया, ये हमारा कलेक्टर कहलाती है। तो हम रेड वालों को यहाँ पर सोल्डर करेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बाद सोल्डर करेंगे, इससे पहले करेंगे तो हमारा मॉड्यूल यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे इसको, यहाँ पर मैं सोल्डर कर देता हूँ अभी। मैं सिर्फ टेम्पोरेरी आपको बता रहा हूँ, वोल्टेज में जैसे आ जाएगा फिर मैं इसको पूरा फिट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा स्क्रीन चालू करके। एंड अब बारी आती है दोस्तों हमारा ब्लू एंड येलो वायर की, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको बता देता हूँ, जो हमारा ब्लू वाला है ये हमारा नेगेटिव कहलाता है आउटपुट सेक्शन का, एंड येलो वाला हमारा पॉजिटिव कहलाता है आउटपुट सेक्शन का। तो जो हमारा ब्लू है नेगेटिव वाला आउटपुट सेक्शन का, तो दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर आप देख पा रहे होंगे इसका जो नेगेटिव वाला है, ये हमारा नेगेटिव है देन ये हमारा पॉजिटिव है। तो हम नेगेटिव वाले पर पहले सोल्डर कर देंगे इसको, ये हमारा नेगेटिव वाले हमने सोल्डर कर दिए। देन जो हमारा येलो वाला पॉजिटिव है तो हम इसको जो हमने डायोड हमने लगाए थे वो डायोड की पिन में हमको सोल्डर कर देंगे। जो हमारे डायोड की पिन है इसी का हमारा कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पे गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये गया दोस्तों ट्रिक हमारी। तो हम यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद दोस्तों इसका जो हमको प्रीसेट को हमको कम करना पड़ेगा, हल्का सा कम करेंगे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले मैं मीटर की प्रॉब यहाँ पर रख देता हूँ उसकी पॉजिटिव नेगेटिव में इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 18 वोल्ट बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे ये आप देख सकते हो यहाँ पर 17.39। मैंने प्रेशर को थोड़ा सा कम किया था, हमको 19 वोल्ट चाहिए एग्जैक्ट, तो हम हल्का सा यहाँ पर बढ़ा देंगे, हल्का सा बढ़ाऊँगा, 19 वोल्ट थोड़ा कम ही रखूँगा। तो अभी मैं इस केबल का करता हूँ, इसके इंडिकेटर यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं उसको देख लेता हूँ कि हमारा मदरबोर्ड ओके है या नहीं है। तो मैं उसको यहाँ पर लगा देता हूँ इसके सॉकेट में। एंड दोस्तों ये इसका इंडिकेटर है ये वाला, थोड़ा दूर रखता हूँ ताकि चिपके ना हमारे आउटपुट सेक्शन के साथ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है, आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब वो जो हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पर ओके है, प्रॉपर इंडिकेटर यहाँ पर शो हो रहा है, एंड यहाँ पर हमारा वोल्टेज भी आ जाएगा। तो अब मैं इसको कम्प्लीटली फिट कर देता हूँ, एंड जो मेरा डिस्प्ले है वो चालू करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, जो मेरा मॉडलर है उसके मैंने चारों तार को यहाँ पर लंबे कर दिया हूँ, ताकि जो मेरा मॉडलर है उसको मैं आसानी से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकूँ। एंड दोस्तों मैं इसमें हीट सिंक प्रोवाइड करने वाला हूँ। जनरली क्या होता है, जब मेरी पावर सप्लाई में जो हमारा ट्रांजिस्टर लगे रहता है उसमें हीट सिंक रहती पहले से, तो मैं उसको उसी में यहाँ पर लगा देता हूँ। बट इसमें हीट सिंक नहीं दी हुई है तो मैं अलग से यहाँ पर हीट सिंक लगाऊंगा, ताकि जो हमारा ट्रांजिस्टर हीट होगा थोड़ा बहुत हीट सिंक उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि जो हमारी मॉडलर की लाइफ है थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ये वाला हीट सिंक यहाँ पर लगाने वाला हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं इसको अगर ऐसा लगाऊंगा सीधा, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके, तो ये क्या होगा यहाँ पर हमारा जो टच हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टच होंगे इसकी बॉडी में, तो कोने को शॉर्टिंग यहाँ पर हो जाएंगी। तो मैं इसको उल्टा करके लगाऊंगा यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा लगा दूंगा। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एंड इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बैकलाइट का लाइट लगा लूँगा, एंड इसको मैं पलटा के पूरा फिट कर दूँगा। तो ये इसका पैनल है, एंड ये इसका बैकलाइट का सॉकेट है। तो सबसे पहले हम इसके बैकलाइट के सॉकेट को यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये इसके अंदर से निकला था आई थिंक, और यहाँ पर लगा हुआ था इस तरीके से, एंड इसको मैं पलटा देता हूँ यहाँ पर। कंप्लीट फिट कर दिया हूँ मैंने, एंड ये जो हमारा मॉडलर है दोस्तों ये वाला, तो ये मॉडलर को मैं एक खड्डे के अंदर पैक कर देता हूँ। तो ये जो हमारा वाला खड्डा है इसका, तो मैं इसके अंदर इसको पैक कर दूँगा, ताकि ये कहीं पर भी आने टच ना हो। मेरी पावर सप्लाई पर कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब मैं इसके एलईडीएस केबल को लगाऊंगा और देखूँ कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले चालू होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया हूँ, एंड हम पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले पर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर चालू हो चुका है, आप देख सकते हो तुरंत यहाँ पर फिलिप्स लिखा चुका है, एंड यहाँ पर हमारा चालू हो चुका है। अभी थोड़ा सा लूज़ है दोस्तों हमारा एलवीडीएस से, तो उसको हम कनेक्शन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हो।
तो मैंने उसको रिपेयर कर दिया हूँ एंड कम्प्लीटली फिट कर दिया हूँ एंड मैंने को पूरा बता चुका हूँ। सबसे पहले वो क्या चेक करना है इसकी पावर सप्लाई में, तो मैंने को पूरा बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसकी LIC ख़राब थी हमारी पावर सप्लाई की, AC सेक्शन की यानी प्राइमरी सेक्शन की, तो IC अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो मैंने इसके बदले मॉडलों को लगा दिया हूँ, कैसे लगाऊँ कैसे वायरिंग कराऊँ पूरा आपको बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप, और कैसे आपको वोल्टेज को सेट करना है प्रीसेट के थ्रू तो पूरा बता चुका हूँ आपको मैंने। तो चलिए अब मैं इसको चालू करता हूँ। तो दोस्तों ये सडनली यहाँ पर चालू हो जाती है, जैसे इसका इंडिकेटर यहाँ पर चालू होगा तुरंत यहाँ पर फ्लिप लिखा जाता है, अपने लगा दिया तुरंत यहाँ पर चालू हो जाएंगी। ये फ्लिप स्विच यहाँ पर आ चुका है, हमारे इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो चुका है, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पर चालू हो चुकी है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर चेक केबल कनेक्शन यहाँ पर लिखा चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा मॉनिटर चालू हो चुका है, तो मेरे को पूरा बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको मॉनिटर को रिपेयर करना है, इसकी पावर सप्लाई को। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आता है दोस्तों का IC के रिलेटेड होगा, स्विचिंग के रिलेटेड, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मॉडलर को डाल देंगे एंड उसका हम रिपेयर करते दोस्तों। तो मेरे पास IC अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको रिपेयर नहीं किया, मैंने उसको मॉडलर यहाँ पर डाल के उसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो आई होप गाइस आपको अगली वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसे इंटरेस्ट लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।